इंदौर शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए जनता की भागीदारी बढ़ाने और उसके बदले में उन्हें पुरस्कृत करने के लिए नगर निगम ने एक अनोखी योजना बनाई है। दरअसल नगर निगम स्वच्छता में भागीदारी करने वाले नागरिकों को स्वच्छ कार्ड प्रदान करेगा। देखिए रिपोर्ट। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर का 3 बार खिताब जीतने वाले इंदौर को आगे भी स्वच्छता का सरताज बनाने के लिए निगम एक बार फिर जुट गया है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम द्वारा आम जनता की भागीदारी बढ़ाने और उसके बदले में उन्हें पुरस्कृत करने की नगर निगम ने एक अनोखी योजना बनाई है, जिसके तहत अब स्वच्छता में नगर निगम का सहयोग करने वाले नागरिकों को निगम एक कार्ड बनाकर देगा। पूरी तरह एटीएम की तरह दिखने वाले इस कार्ड का नाम है स्वच्छ कार्ड। इस कार्ड को नगर निगम उन नागरिकों को देगा जिन्होंने इंदौर को स्वच्छता में आदर्श बनाने में मदद की हो, चाहे वो होम कंपोस्टिंग हो या फिर स्वच्छता अभियान में श्रमदान और डिस्पोजल की रोक में सहयोग हो। स्वच्छ कार्ड हम लोगों ने जो प्लानिंग करी थी कि जितने भी लोग स्वच्छ भारत मिशन के लिए किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग करते हैं, चाहे श्रम के रूप में हो, होम कंपोस्टिंग के रूप में हो, डिस्पोजेबल्स को बैन करने के रूप में हो, जितने भी लोग हमको सहयोग करते हैं हम लोग उसके बेसिस पे उनको कुछ पॉइंट्स देंगे और उस पॉइंट के बेसिस पे जिन लोगों से हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है जिसमें ज़्यादातर दुकानें, बड़े होटल, रेस्टोरेंट शामिल हैं, वहाँ पर उनको उस पॉइंट के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया पिछले 1.5-2 महीने से स्टार्ट करी है। एक बार हम लोग पूरा जब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो इसको फुली आचार संहिता के बाद में फिर लॉन्च करेंगे। कुल मिलाकर निगम की अनोखी योजना से अधिकारियों को उम्मीद है कि जिन नागरिकों की सजगता से इंदौर ने स्वच्छता में अपने झंडे गाड़े हैं, उन्हीं लोगों को अब उनके काम के लिए इनाम मिलने से उनका उत्साह दोगुना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।